श्री विष्णु पुराण दूसरा अध्याय भूगोल का विवरण। श्री मैत्रेय जी बोले, हे ब्राह्मण, आपने मुझसे स्वयं भूव मनु के वंश का वर्णन किया। अब मैं आपके मुखारविंद से संपूर्ण पृथ्वी मंडल का विवरण सुनना चाहता हूँ। हे मुने, जितने भी सागर, द्वीप, वर्ष, पर्वत, वन, नदियां और देवता आदि की पुरियां हैं, उन सबका जितना जितना परिमाण है, जो आधार है, जो उपादान कारण है और जैसा आकार है, वह सब आप यथावत वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय जी, सुनो, मैं इन सब बातों का संक्षेप से वर्णन करता हूँ। इनका विस्तार पूर्वक वर्णन तो 100 वर्ष में भी नहीं हो सकता। हे द्विज, जम्बु, प्लक्ष, शालमल, कुश, क्रौंच, शाक और सातवां पुष्कर, ये सातों द्वीप चारों ओर से खारे पानी, इक्षुरस, मदिरा, घृत, दधि, दुग्ध और मीठे जल के 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं। हे मैत्रेय जी, जम्बु द्वीप इन सबके मध्य में स्थित है और उसके भी बीचों बीच में सुवर्णमय सुमेरु पर्वत है। इनकी ऊंचाई 84,000 योजन है और नीचे की ओर यह 16,000 योजन पृथ्वी में घुसा हुआ है। इसका विस्तार ऊपरी भाग में 32,000 योजन है तथा नीचे तलैटी में केवल 16,000 योजन है। इस प्रकार यह पर्वत इस पृथ्वी रूप कमल की कर्णिका कोश के समान है। इसके दक्षिण में हिमवान, हेमकूट और निषद तथा उत्तर में नील, श्वेत और श्रृंगी नामक वर्ष पर्वत हैं, जो भिन्न भिन्न वर्षों का विभाग करते हैं। उनके बीच के 2 पर्वत निषद और नील 1,00,000 योजन तक फैले हुए हैं। उनसे दूसरे दूसरे 10,000 योजन कम है, अर्थात हेमकूट और श्वेत 90,000 योजन तथा हिमवान और श्रृंगी 80,000 योजन तक फैले हुए हैं। वे सभी 2,000 योजन ऊंचे और इतने ही चौड़े हैं। हे द्विज, मेरु पर्वत के दक्षिण की ओर पहला भारत वर्ष है तथा दूसरा किम पुरुष वर्ष और तीसरा हरि वर्ष है। उत्तर की ओर प्रथम रमयक, फिर हिरणमय और तदंतर उत्तर पूर्व वर्ष है, जो द्वीप मंडल की सीमा पर होने के कारण भारत वर्ष के समान धनुषाकार है। हे द्विज श्रेष्ठ, इनमें से प्रत्येक का विस्तार 9,000 योजन है तथा इन सबके बीच में इलावृत वर्ष है, जिसमें सुवर्णमय सुमेरु पर्वत खड़ा हुआ है। हे महाभाग, यह इलावृत वर्ष सुमेरु के चारों ओर 9,000 योजन तक फैला हुआ है। इसके चारों ओर 4 पर्वत हैं। ये चारों पर्वत मानो सुमेरु को धारण करने के लिए ईश्वर कृत कीलियां हैं, क्योंकि इनके बिना ऊपर से विस्तृत और मूल में संकुचित होने के कारण सुमेरु के गिरने की संभावना है। इनमें से मंद्रांचल पूर्व में, गंधमादन दक्षिण में, विपुल पश्चिम में और सुपार्श्व उत्तर में है। ये सभी 10,000 योजन ऊंचे हैं। इन पर पर्वतों की ध्वजाओं के समान क्रमशः 1,100 योजन ऊंचे कदंब, जम्बू, पीपल और वट के वृक्ष हैं। हे महामुने, इनमें जम्बू अर्थात जामुन वृक्ष जम्बू द्वीप के नाम का कारण है। इसके फल महान गजराज के समान बड़े होते हैं। जब वे पर्वत पर गिरते हैं तो फटकर सब और फैल जाते हैं। उनके रस से निकली जम्बू नाम की प्रसिद्ध नदी वहाँ बहती है, जिसका जल वहाँ के रहने वाले पीते हैं। उसका पान करने से वहाँ के शुद्ध चित्त लोगों को पसीना, दुर्गंध, बुढ़ापा अथवा इंद्रिय क्षय नहीं होता। उसके किनारे की मृतिका उस रस से मिलकर मंद मंद वायु से सूखने पर जाम्बू नद नामक सुवर्ण हो जाती है, जो सिद्ध पुरुषों का भूषण है। मेरु के पूर्व में भद्राश्व वर्ष और पश्चिम में केतुमाल वर्ष है तथा हे मुनि श्रेष्ठ, इन दोनों के बीच में इलावृत वर्ष है। इसी प्रकार उसके पूर्व की ओर चैत्ररथ, दक्षिण की ओर गंधमादन, पश्चिम की ओर वैभ्राज और उत्तर की ओर नंदन नामक वन है।
सोचता था सर्वदा देवताओं से सेवनीय अरुणोद, महाभद्र, असितोद और मानस ये चार सरोवर हैं। हे मैत्रेय जी, शीतांभ, कुमुंद, कुररी, माल्यवान तथा वैकंक आदि पर्वत भूपद्म की कर्णिका रूप मेरु के पूर्व दिशा के केसरांचल हैं। त्रुकुट, शिशिर, पतंग, रचक और निषाद आदि केसरांचल उसके दक्षिण की ओर हैं। शिखी, वासा, वैडूर, कपिल, गंधमादन और जारुधि आदि उसके पश्चिमीय केसर पर्वत हैं तथा मेरु के अति समीपस्थ इलाव्रत वर्ष में और जठरादि देशों में स्थित शंखकूट, वृषभ, हंस, नाग तथा कालंज आदि पर्वत उत्तर दिशा के केसरांचल हैं। हे मैत्रेय जी, मेरु के ऊपर अंतरिक्ष में 14 सहस्त्र योजन के विस्तार वाली भगवान ब्रह्मा जी की महापुरी ब्रह्मपुरी है। उसके सब और दिशा एवं विदिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों के 8 अति रमणीक और विख्यात नगर हैं। विष्णु पादोद्भवा श्री माँ गंगा जी चंद्र मंडल को चारों ओर से आप्लावित करती हैं और स्वर्ग लोक से ब्रह्मपुरी में गिरती हैं। वहाँ गिरने पर वे चारों दिशाओं में क्रम से सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा नाम से 4 भागों में विभक्त होती हैं। उनमें से सीता पूर्व की ओर आकाश मार्ग से एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती हुई अंत में पूर्व स्थित भद्राश्व वर्ष को पार कर समुद्र में मिल जाती हैं। इसी प्रकार हे महामुनि, अलकनंदा दक्षिण दिशा की ओर भारत वर्ष में आती हैं और 7 भागों में विभक्त होकर समुद्र में मिल जाती हैं। चक्षु पश्चिम दिशा के समस्त पर्वतों को पार कर केतुमाल नामक वर्ष में बहती हुई अंत में सागर में जा गिरती हैं। तथा हे महामुनि, भद्रा उत्तर के पर्वतों और उत्तर कुरु वर्ष को पार करती हुई उत्तरीय समुद्र में मिल जाती हैं। माल्यवान और गंधमादन पर्वत उत्तर तथा दक्षिण की ओर नीलांचल और निषध पर्वत तक फैले हुए हैं। उन दोनों के बीच में कर्णिकाकार मेरु पर्वत स्थित हैं। हे मैत्रेय जी, मर्यादा पर्वतों के बहिर्भाग में स्थित भारत, केतुमाल, भद्राश्व और कुरुवर्ष इस लोक पद्म के पत्तों के समान हैं। जठर और देवकुट ये दोनों मर्यादा पर्वत हैं जो उत्तर और दक्षिण की ओर नील तथा निषध पर्वत तक फैले हुए हैं। पूर्व और पश्चिम की ओर फैले हुए गंधमादन और कैलाश ये दो पर्वत जिनका विस्तार 80 योजन है समुद्र के भीतर स्थित हैं। पूर्व के समान मेरु की पश्चिम ओर भी निषद और पारयत्र नामक दो मर्यादा पर्वत स्थित हैं। उत्तर की ओर त्रिशंग्र और जारुधि नामक वर्ष पर्वत हैं। ये दोनों पूर्व और पश्चिम की ओर समुद्र के गर्भ में स्थित हैं। इस प्रकार हे मुनिवर, तुमसे जठर आदि मर्यादा पर्वतों का वर्णन किया जिनमें से दो दो मेरु की चारों दिशाओं में स्थित हैं। हे मुनि, मेरु के चारों ओर स्थित जिन शीतांत आदि केसर पर्वतों के विषय में तुमसे कहा था उनके बीच में सिद्ध चारण आदि से सेवित अति सुंदर कंदराएं हैं। हे मुनि सतम, उनमें सुरमय नगर तथा उपवन हैं और लक्ष्मी, विष्णु, अग्नि एवं सूर्य आदि देवताओं के अत्यंत सुंदर मंदिर हैं, जो सदा किन्नर श्रेष्ठों से सेवित रहते हैं। उन सुंदर पर्वत द्रोणियों में गंधर्व, यक्ष, राक्षस, दैत्य और दानव आदि अहिर्नश क्रीड़ा करते हैं। हे मुने, ये संपूर्ण स्थान भौम पृथ्वी के स्वर्ग कहलाते हैं। ये धार्मिक पुरुषों के निवास स्थान हैं। पाप कर्मा पुरुष इनमें 100 जन्म में भी नहीं जा सकते। हे द्विज, श्री भगवान विष्णु भद्राश्व वर्ष में हय ग्रीव रूप से, केतुमाल वर्ष में वराह रूप से और भारत वर्ष में कूर्म रूप से रहते हैं तथा वे भक्त प्रतिपालक श्री गोविंद कुरु वर्ष में मत्स्य रूप से रहते हैं। इस प्रकार वे सर्वमय सर्वगामी हरि विश्व रूप से सर्वत्र ही रहते हैं। हे मैत्रेय, वे सबके आधारभूत और सर्वात्मक हैं। हे महामुनि, किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं उनमें शोक, श्रम, उद्वेग और शुद्धा का भय आदि कुछ भी नहीं है।
वहाँ की प्रजा स्वस्थ, आतंकहीन और समस्त दुखों से रहित है तथा वहाँ के लोग 10-12 हजार वर्ष की स्थिर आयु वाले होते हैं। उनमें वर्षा कभी नहीं होती, केवल पार्थिव जल ही है और ना उन स्थानों में कृत प्रेता आदि योगों की ही कल्पना है। हे द्विजोतम, इन सभी वर्षों में 7-7 कुल पर्वत हैं और उनसे निकली हुई सैकड़ों नदियां हैं। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के दूसरे अंश में दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि।